हे गाइस, सो आज हम बात करेंगे 1.5 डे स्ट्रेटजी फॉर कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में 1.5 दिनों के गैप में क्या क्या चीज़ें तुम्हें करनी है, क्या क्या मैंने करी थी, दोनों बताऊंगा, ठीक है ना। पेपर देखा होगे तुम, लॉ का हैंड टू हैंड लॉ का पेपर देखा है, फाड़ के फेंक देना फालतू। 1 मिनट भी टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिटरली इग्नोर। उसके बाद बचा हुआ जो दिन है तुम्हारा, लॉ का पेपर देखे आए तुम दिन में 5 बजे, पेपर खत्म हुआ 6 बजे तक तुम आ गए, थोड़ा रेस्ट करा 6:30 7 बज गए, 7 बजे आ जाना पढ़ने। कौन से चैप्टर उठाने जो थोड़े आसान से हो, जैसे कि चैप्टर 6 उठा सकते हो, चैप्टर 2 उठा सकते हो, चैप्टर 3 उठा सकते हो और चैप्टर 15 उठा सकते हो, यूनिट 10 बैच कॉस्टिंग उठा सकते हो। ये सब चैप्टर जो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्योंकि उस दिन तुम पेपर देखे आएंगे थोड़ा मन कम होगा, तो ये ईजी चैप्टर निपटाना चालू करना। निपटाने कैसे, मैंने क्या करा था, हर चैप्टर खोला, इलस्ट्रेशन देखे, हार्ड एडजस्टमेंट इलस्ट्रेशन देखते याद आ गई, इस क्वेश्चन में क्या घुमाता था, कैलकुलेटर से सॉल्व करा, आंसर देखा, हाँ भाई ये ऑडिटिंग करी एक तरीके से कि सही है, मतलब हाँ भाई यही आंसर है, जो क्वेश्चन लग रहा है यार ये तो पूरा चैप्टर कवर कर रहा है, या फिर ये मेरा गलत होगा या फिर हार्ड होगा, उसको रिटर्न में सिर्फ एक चैप्टर में 1 से 2 क्वेश्चन, चैप्टर पर डिपेंड करता है वैसे तो, 1 से 2 क्वेश्चन से ज़्यादा रिटर्न में मत करना, कैलकुलेटर पर सॉल्व करा हटाओ। उसके बाद अगला दिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा दिन होगा एग्जाम से 1 दिन पहले, उसके अंदर तुम्हारे को जो भी बचे हुए चैप्टर है स्टार्ट करना 13-14 से, ये तो होने ही चाहिए 13-14। उसके बाद 13 करना, 14 करना, फिर करना 4 और 5, ठीक है ना। उसके बाद जो बचे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रोसेस कॉस्टिंग और अपना सर्विस कॉस्टिंग, ये सब लास्ट में, मतलब शाम के समय, क्योंकि ये उस टाइम हो जाएंगे और सुबह तुम करोगे 13-14, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब में यही करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑडिटिंग एक तरीके से कैलकुलेटर पे सारी चीज़ें सॉल्व, फालतू ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कैलकुलेटर पे सॉल्व करा। अगर तुमने पहले से ही मार्क कर रखे हैं कि पहले जब तुम क्वेश्चन करते थे तभी तुमने गोले लगा रखे हैं, तब तो और भी बढ़िया बात है, उन क्वेश्चन को आराम से रिटर्न में सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कॉस्टिंग का पेपर के लिए एक ही चीज़ रहना, थोड़ा टाइम मैटर करता है इसमें, लेंथी पेपर रहता है थोड़ा, तो स्पीड तो बहुत ही तेज रखनी है स्टार्टिंग से। और एक बात याद रखना, कॉस्टिंग का पेपर हो सकता है जैसे May 23 में आया था बहुत ज़्यादा घुमादार, तो उसके लिए भी थोड़ा रेडी रहना, उसी हिसाब से थोड़ा रखना कॉन्फिडेंस एग्जाम में जाते हुए कि हार्ड पेपर आएगा तो मैं कम से कम इतना तो पढ़ाई कर लूँ कि 40 नंबर तो मैं ईजी ले लूँ, 40 तो इजीली, 40 की जगह 50 की सोच रखना, तब जाके 40 से तो ऊपर गारंटेड आएंगे। तो मेन है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, और उधर बिल्कुल भी प्रेशर में मत आना। एक चीज़ याद रखना, पेपर हार्ड तुम्हारे लिए नहीं आया, सबके लिए हार्ड आएगा, आएगा तो इसलिए प्रेशर में सब बन जाएंगे। और बहुत जने ये होंगे जो क्वेश्चन जो आसान आसान भी होंगे ना बीच बीच में, तो वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूरे टाइम से प्रेशर होगा और स्टार्टिंग के भिड़ते 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे, अब आगे के आते भी होंगे तो उनमें भी कॉन्फिडेंस लो जाएगा उनका, तो तुम्हारे पास वहाँ पे एक एडवांटेज है प्रेशर को कंट्रोल करना और उन क्वेश्चंस को अच्छे से करना और पेपर पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। बस कुछ भी लिखाना, अगर तुम मेरी कॉस्टिंग की सर्टिफाइड कॉपी देखोगे ना डिस्क्रिप्शन में, मतलब सर्च मार देना CA Study Year ना सर्टिफाइड कॉपी कॉस्टिंग आ जाएगा, अगर उसमें तुम देखोगे ना लिटरली जो समझ आया वो लिखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घुमादार था और इतना कॉन्फिडेंस था कि पेपर पूरा अटेम्प्ट कर दूँ बाकी ICA जानेगा, ये इसलिए लिख के आना। और कैसा भी पेपर आए, पेपर के बाद उस पेपर को सीधा फाड़ा फेंका और टैक्सी तैयारी, 1 मिनट भी बर्बाद मत करना डिस्कशन के लिए, क्योंकि तुम अगर डिस्कशन करोगे टाइम तुम्हारा ख़राब होगा पूरा। 1 मिनट भी अगर तुम कॉस्टिंग के पेपर पे देने के बाद, कॉस्टिंग का पेपर देने के बाद 1 मिनट भी कॉस्टिंग पे दोगे तो वो बर्बाद है, ठीक है ना, ये बातें याद रखना, बाकी तो हो जाएगा आराम से।